ये ध्यान सूत्र है, मेडिटेशन इज बीइंग जेंटल सॉफ्ट एंड सपल। ध्यान है सौम्य, कोमल और नमनीय होना, लचीला होना। ये बातें जो सूत्र हमारे सामने रख रहा है, जेंटल सॉफ्ट एंड सपल, सौम्य कोमल और लचीला नमनीय, ये ध्यानी के लिए आवश्यक गुण हैं। और इसीलिए सूत्र कह रहा है कि ध्यान इन्हीं गुणों का उसके भीतर आविर्भूत हो जाना है। अब ध्यान घटा किसी भी व्यक्ति के अंदर तो कई प्रश्न खड़े होते हैं कि हम कैसे जानेंगे कि ध्यान घटा। ध्यान घटा, इन बातों को देखिए। शांति, प्रेम, प्रसन्नता तो अपनी जगह वगैरह हैं, समसरता की जो मैं बात करता हूँ उनको तो रहने दीजिए। अभी तो इन गुणों को भी सामने रख के देखिए जो बिल्कुल साफ साफ दिख जाएंगे। शांति देखने के लिए वक्त लगेगा, सौम्यता, जेंटलनेस, व्यक्ति सौम्य होगा। और सॉफ्ट यानी कोमल, कोमल शारीरिक रूप से नहीं, कोमल आंतरिक रूप से, हार्दिक रूप से। और सफल, नमनिंग, लचीला, फ्लेक्सिबल, कट्टर नहीं है, जड़ नहीं है, अड़ता नहीं कहीं पर, उसके अंदर की जड़ता जा चुकी है। जो कठोर है, कट्टर है, नष्ट हो जाता है, प्रकृति का नियम है। अगर पेड़ कठोर हैं, आंधी आएगी टूटेंगे, जो पेड़ लचीले होंगे आंधी आएगी ठहरे रहेंगे। ये पानी के जैसा है, जैसे पानी बह रहा है तो पानी देखने में कितना कोमल लगता है, लेकिन क्या कोमल केवल कोमल होता है? उसमें अपरिसीम शक्ति होती है। पानी अपनी पूरी कोमलता के साथ बहुत कुछ बदल सकता है, तोड़ सकता है। पानी बह रहा है, बड़ी बड़ी चट्टानों को, पहाड़ों को तोड़ सकता है, कोमल है। तो कोमलता की अपनी एक शक्ति है। आम तौर से व्यक्ति को लगता है कि कोमल हो जाना, सॉफ्ट हो जाना क्या शक्तिहीन हो जाना है? नहीं, ये गहरी शक्ति से भर जाना है, गहरी शक्ति से भर जाना। कोमलता की शक्ति जो है बिल्कुल तरल पानी जैसी है, हम उसकी कल्पना ही नहीं कर सकते। और सौम्यता, सौम्यता देखिए, हम संसार में व्यवहार कर रहे हैं, अगर हमारे जीवन में, हमारे व्यक्तित्व में सौम्यता प्रवेश कर जाए तो हमारे लिए सब रास्ते आसान हो जाते हैं। हम अहंकार से चलें, अभिमान से चलें, तो हमारे रास्ते मुश्किल होते चले जाते हैं। सौम्यता का अर्थ क्या है? सौम्यता का अर्थ है जो अहंकार की कठोरता है उससे रिक्त हो जाना। अहंकार की कठोरता इसलिए गई क्योंकि समझ आ गई व्यक्ति को कि जीवन ऐसा ही है, एक समग्रता में जुड़ा हुआ, हर व्यक्ति अपनी तरह अनूठा है और हर व्यक्ति उस अस्तित्व का माध्यम है, सब उस ढंग से हो रहा है। जिसने इसको समझा सौम्य हो गया। सौम्य व्यक्ति कहीं भिड़ नहीं रहा है, मतलब कोई लड़ाई में नहीं है, कोई द्वंद्व में नहीं है। अतीत में देखा जाए धार्मिक लोग भी लड़ते घूमते रहे हैं, तो क्यों लड़ रहे हैं? क्योंकि सौम्यता का अभाव, जेंटलनेस, समझ नहीं आई। और कोमलता आई अर्थात तरलता आई, बहाव आया। पानी बह रहा है तो जीवन में ठहराव नहीं, बहाव है। और नमनीयता, लचीलापन तो है ही बहुत महत्वपूर्ण चीज़। अगर लचीलापन ना हो तो जीवन निरंतर मुश्किलों से भरा रहेगा। हमारा शरीर भी जब सफल होता है, नमनीय होता है, तो व्याधियों, बीमारियों से भी मुक्त होता है। अब कितनी देखिए रोचक चीज़ है, देखें जीवन हमारे लिए सारे दृष्टांत रखता है। एक बच्चा पैदा होता है तो उसमें तीनों चीज़ें मिलेंगी, ये तीनों गुण मिलेंगे। और पैदा होते ही उसको जब देखिए तो ऐसा लगता है जैसे ध्यान में डूबा हुआ है, लचीला है, कोमल है बच्चा। सौम्यता का अपना ढंग है उसकी, मृदुता का। जब व्यक्ति मरता है, वृद्ध होता है,
कठोर हो चुका होता है, उसका शरीर लचीलापन जा चुका होता है और वही उसकी मृत्यु का कारण बनता है। तो जो व्यक्ति इन गुणों से संयुक्त हो जाता है वो मृत्यु के परे भी चला जाता है। ऐसा नहीं कि उसका शरीर नहीं जाएगा, लेकिन मृत्यु का भय, मृत्यु की आशंका, मृत्यु का जो भी विभीषिका का ढंग है वो सब उसके जीवन से चला जाएगा। और इन गुणों की संयुक्तता में जीना वही ध्यान है, जिसको हम साफ साफ देख सकते हैं। जिसके भीतर ये ध्यान उतरा सामने ही परिलक्षित होगा, क्योंकि उसके अंदर ये तीनों गुण अपनी पूरी गरिमा के साथ उपस्थित मिलेंगे।